जय करे कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। और भैरव बाबा जी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी जी। पूरी खत्म है आगे से गाड़ी, और ये देख लो सारा खत्म है, टायर अलॉय व्हील वगैरह सब अलग है। बहुत फेमस है यहाँ पे ब्रेड पकौड़े सुबह सुबह अगर आपको खाने। और कैसे हैं आप सभी गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस भी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज है बहुत ही भाई स्पेशल डे, हम लोग जा रहे हैं कालका जी मंदिर। भाई मेरा काफी दिन से बहुत मन था, तो हार्दिक को भी मैंने आज सुबह सुबह उठा लिया। हार्दिक से मैंने रात को भी पूछ लिया था, मैंने कहा हार्दिक चलना है, तो हार्दिक ने बोला यस मामा मैं चलूंगा। तो आज जाके देखते हैं हम लोग जल्दी भी निकले हैं कि रश मिलता है या नहीं, और आपसे मिलते हैं वहीं पे और आपको भी दर्शन कराते हैं कालका माई के। चलते ट्रक पे भैया पीछे से आगे आगे, डर नहीं लगता ही नहीं। राजा स्पीड कम नहीं करी उसने ट्रक वाले ने। गाइस देख लो कितनी तेज चल रहा है ट्रक, मारी गाड़ी 60 की स्पीड पे है। सो गाइस अभी लग रहा है किसी का रिसेंटली अभी एक्सीडेंट हुआ है। गाइज मैं दिखाता हूँ आपको पास से, भाई नई नई गाड़ी है, हेक्टर है, हेक्टर प्लस, और भाई पूरी खत्म है आगे से। अंदर के भाई सारे एयरबैग वगैरह सारे खुले हुए हैं, स्क्रीन वगैरह सारी चली हुई है, और पूरी ठुकी है भाई पूरी कुछ। ये देखो, अरे बच गया था भाई, नहीं बचा था है। अभी हुआ कितनी देर पहले? 2:20 पे। तो भाई पूरी ख़त्म है आगे से गाड़ी, और ये देख लो। तो भाई इसलिए कहते हैं रात में थोड़ा सेफ ड्राइव करनी चाहिए। ओ भाई एक कुंटल का गेट है भाई, ये देखो पूरा गेट में लगी आगे और गेट खत्म है, और गाड़ी का ये हाल है देख लो। तो कितनी स्पीड में होगी? सारा खत्म है, टायर अलॉय व्हील वगैरह सब अलग है। सिंगल बंदा था कैसे? तीन जने थे। अच्छा ड्रिंक कर रही हुई थी। ओ भाई देख लो, ड्रिंक एंड ड्राइव का ये सिला होता है। और भाई इसलिए कहते हैं हमेशा गाड़ी को ध्यान से चलाना चाहिए, और ड्रिंक और ड्राइव तो भाई बिल्कुल ही बैन हो जानी चाहिए इंडिया में, तो खासकर इंडिया में क्या हर जगह ही। भाई ये यूपी की गाड़ी है, 1111, तो भाई वीआईपी नंबर है। तो गाइस इसलिए कहते हैं भाई रात में क्या कभी भी आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके तो भाई चलना ही नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ रुकने का ये मोटो था कि किसी को हमारी हेल्प तो नहीं चाहिए, किसी की हम हेल्प कर पाए, क्योंकि लाइट है वगैरह ऐसे जली पड़ी है गाड़ी में, जैसे कि अभी हुआ एक्सीडेंट, बट ये रात में हुआ। सो गाइस गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, अभी चलते हैं। और ये है एंट्रेंस, लास्ट टाइम आए थे तो भाई वहाँ तक लाइन चली गई थी, थोड़ी देर बाद इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी। तो आज हमने सोचा कि सही टाइम पे निकलते हैं और माता के दर्शन करेंगे। तो आज देख लो पूरा पीछे तक सारी खाली है। अभी है ना बस आरती शायद स्टार्ट हुई है या खत्म हुई है, तो फटाफट पहुँचते हैं मंदिर में अंदर। तो गाइस अभी आरती खत्म हुई है माता के यहाँ की, तो अभी फटाफट चलते हैं, हमें आरती भी मिल जाएगी। मंदिर की आरती आ रही है लाइन में ही। माई की जय। जय करे कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। बोलो कालका माई की जय। बोल साचे दरबार की जय। हो कालका माई की जय। हे माता ये है माता का मेन दरबार। जय करे कालका माई का, बोल साचे दरबार की जय। बोलो कालका माई की जय। तो
सारे कालका माता के तो दर्शन हो चुके हैं बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही आराम से। और अभी चल रहे हैं हम सीधा भैरव बाबा जी के मंदिर, जो कि कहा जाता है कि माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं, तभी हमारी यात्रा को सफल माना जाता है। तो अभी सीधा चलते हैं भैरव बाबा जी के मंदिर और आपको भैरव बाबा जी के दर्शन कराते हैं। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर, वो सामने आपको दिखेगा, अभी लेके चलेंगे। और यहाँ पे ऐसा कोई पार्किंग नहीं है, तो अभी हम रोड पे ऐसे गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं। चलें सर, चलो और बोलो भैरव बाबा की जय। गाइस अभी ले लिया प्रसाद और अभी चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं बाबा जी के। जयकरा भैरव बाबा की जय। अभी हमने जैसे कि आपको भैरव बाबा के दर्शन करा दिए और भैरव बाबा जी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के पुजारी जी। क्या नाम है पुजारी? राधेश्याम पुजारी जी हमारे साथ हैं। दिखनी है यहाँ पे एक तो भैरव बाबा जी हैं, तो उधर कौन है और इधर कौन है, थोड़ा इनके बारे में बताइए। बाबा जी का स्वरूप है, इनकी का दूर का रूप है बसुकनाथ जी का, और यही तीसरे इनका नंबर है काल भैरव जी का। जिनके दोनों रूप हैं बाबा जी के। और मंदिर का जो समय है खुलने का वो सुबह 4:30 बजे है और रात के 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 11 बजे तक खुला रहता है। तो ये भैरव बाबा जी के यहाँ पे ये साक्षात अपने आप ही हुए 300 रुपये साक्षात रूप का है। और ये मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, शीशा लगा रखा है तो इसका क्या? ये शीशा कोरोना काल में सन 2020 में बहुत से भगत जब मंदिर बंद हो गया था तो आने वाले भगत यहाँ से दर्शन करते थे बाबा जी के दर्शन। भाई ये हम ये सोच रहे थे कि ये मंदिर पे शीशा क्यों लगाया, तो हमें इसका पता चल चुका है कि कोरोना काल में लगाया गया था, कि जैसे कि भक्त आते थे तो मंदिर में प्रवेश नहीं थे, अलाउ नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, तो बाहर से ही दर्शन करके चले जाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया भैया। दर्शन करने के बाद पहुंच चुके हैं GK1 और यहाँ की एम ब्लॉक मार्केट में, और यहीं पे आज ब्रेकफास्ट करेंगे। भाई यहीं पे बहुत फेमस है, यहाँ पे ब्रेड पकौड़े सुबह सुबह अगर आपको खाने तो एम ब्लॉक मार्केट से बेस्ट आपको ब्रेड पकौड़े कहीं नहीं मिलेंगे। अंदर दोनों बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं बस जल्द से जल्द ब्रेड पकौड़े और चाय आ जाए। भाई यहाँ पे हमारे ब्रेड पकौड़े हो चुके हैं तैयार बनकर और यहाँ पे हमारी चाय बन रही है, तो अभी दोनों का लुफ्त उठाते हैं। यहाँ पे कितने बजे खोल देते हो सुबह? 6:30 बजे। तो भाई यहाँ पे आपको बेस्ट नाश्ता आपको मिल जाएगा अगर आपको जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग का अगर आप ब्रेकफास्ट के दीवाने हो तो। मम्मा को घबराहट भैया, एक पहले ब्रेड पकोड़ा दे दो जल्दी से, 15 रुपये का एक ब्रेड पकोड़ा है। भाई हार्दिक कह रहा था कि आपका जी घबरा रहा है, जल्दी से ले आओ पापा ब्रेड पकोड़े, भूख लग रही है मेरे को। तो खाओ टेस्ट बताओ जल्दी से क्विक फास्ट। मेरे को उठते ही कुछ खाने की आदत है। ओहो भाई वाह, 10 में से 6। चलो भाई ब्रेड पकोड़े चाय आ चुकी है और हार्दिक टेस्ट करके बताएगा कैसा। भाई बहुत टेस्टी है, मम्मा अंदर खा रही है, हम दोनों बाहर खा रहे हैं क्योंकि ये चाय गिर ना जाए गाड़ी में। तो चलो फटाफट पहले ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे और चलते हैं फिर घर। सो गाइस अभी बज रहे हैं 9:15 और हम लोग घर भी आ चुके हैं दर्शन करके, और आज के दर्शन रहे माता रानी के बहुत ही बढ़िया, खुले दर्शन हुए, मतलब मन प्रसन्न हो गया। तो गाइस आज का ब्लॉग करेंगे हम यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग हमारा कैसे लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। गाइस अपने प्यार साथ सपोर्ट ऐसे बनाए रखना जैसे आप लोगों ने बनाए रखा है। माता रानी आप सबकी भी मनोकामना पूरी करे। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। अब बोलो कालका माई की जय। जय माता की, जय माता की, जय माता की, करते जाओ जय माता की, जय माता की। क्या बात है अब, गुड बॉय। मेरा बेटा तो बहुत प्याला है ना। फ्लाइंग किस कर दो सबको, फ्लाइंग किस कर दो। बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।